सर एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना जरूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इंकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन, द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, वी हैव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आई हैव डिक्लेयर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस दैट दीज थ्री ऑनरेबल जेंटलमैन, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh, if they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. इन व्यू ऑफ दिस आई थॉट, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूँ और आपने जो यानी जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? तो नहीं नहीं, तो मुझे क्यों नहीं नहीं मुझे मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश के रक्षा की आप देश के आप एक मिनट देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दी। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूँ तो इसीलिए आइदर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट आर यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। प्लीज प्लीज